इस जगह को जो है ना हम लोग बचपन में पहले आने से भी डरते थे, क्योंकि इस जगह के बारे में लोग मतलब के बताते थे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले जो है भूत वगैरह वाली बातें, मगर जो है ना और ये जो है ना देख रहे हैं हम लोग का कब्रिस्तान, यही हम लोग की ईदगाह देख रहे हैं। अभी तो चेहरे पे मुस्कुराहट है मगर क्या बताएं, दिल में जो गमी है ना वो बता नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है है ना। यहाँ पे हमारे अब्दुलरहमान भाई है, यहाँ पे हमारे आज़ाद भाई है, बहुत इन लोग की बहुत याद आएगी, लेकिन क्या करें सबके सर पे जिम्मेदारी है, एक ना एक दिन तो जाना ही है, यानी जिसके नसीब में जाना लिखा है वो तो जेबे करेगा, ठीक है ना। तो है लेकिन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जरूर, इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों फिर से हमें अपने न्यू ब्लॉग के साथ, और ये ब्लॉग जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है हम लोगों के लिए, खास मुझे और अल्ताफ़ भाई के लिए, क्योंकि अल्ताफ़ भाई जो है ना अब हमारे हम लोग के साथ हम लोग के बीच ना रहेंगे, इस वजह से हम लोग इस ब्लॉग में ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हम लोग का फेवरेट ठाव प्लेस जो जो है उस जगह को हम लोग आज जो है इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग वक्त गुजारते थे और गुजारे हैं वह सारी जगहों पर हम जाकर जो है वीडियो बनाएंगे। और सबसे पहले जो मैं आज हम लोग ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, ये हम लोग का गांव का जो फील्ड है काफ़ी ज़्यादा हम लोग का प्यारा है, और यहां हम लोग आकर खेला भी करते थे, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते। दोस्तों यही देख रहे हैं हम लोग की फील्ड है, और हम लोग जो है यहां पे अपना बचपना गुजारे हैं, है ना अल्ताफ़ भाई। हाँ, ये यही पिच जो हम लोग हमेशा यहाँ पे आके खेला करते थे, यहाँ पे इसमें फुटबॉल मैच भी होता है। हाँ, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेल भी होता है। और अल्ताफ़ भाई जो है ना अब हम लोग के बीच ये आखिरी है अल्ताफ़ भाई का, जहाँ जहाँ बिठा है ना नहीं, अब आखिरी है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इस पिच पे ना हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग मिलके खेला करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अब जाएंगे कब आएंगे कब नहीं, इसीलिए थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, क्योंकि अब जब भी आना होगा मुझे अकेला आना होगा, क्योंकि मैं अल्ताफ़ भाई के साथ कहीं कहीं भी जाता हूँ तो अल्ताफ़ भाई मेरे साथ रहते हैं, मगर अब जो है अल्ताफ़ भाई नहीं रहेंगे। यही है हमारी लोग की वीडियो की मिसिंग। और दोस्तों हम लोग की ये भी एक खास है, हम लोग जो है ना अक्सर 6 बजे के बाद शाम में हम लोग यहीं पे वक्त गुजारते थे, यहीं पे बैठ के हम लोग अक्सर ठंडा पिया करते थे, याद है आपको, यहीं पे बैठकर। और बगल ही में हम लोग का ईदगाह है, यहाँ पे जब हम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं वो भी दिखाया जाएगा आपको। आइए आप लोगों को ईदगाह जो भी है दिखा देते हैं, मगर ये जगह भी हम लोग की ये जगह काफी काफी बहुत ही मतलब फेवरेट जगह है। और दोस्तों देख रहे हैं यही हम लोग की ईदगाह, देखिए अभी जो फिनिशिंग नहीं हुआ है मगर बन ही रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ भी हम लोग को मिसिंग रहेगा, क्योंकि एक साथ जो है ना पटिया में हम लोग ईद की नमाज़ और काफ़ी और कुछ दिन के बाद जो हम लोग का रमज़ान आने वाला है, फिर ईद आएगी, फिर हम हर एक से मुलाकात होगी, मगर अल्ताफ़ भाई जो है ना रहेंगे, यही तो एक मिसिंग होगी यार। हम लोग जब भी आते थे इसी लाइन में यहीं पर पटिया वगैरह जो है बिछा रहता था, अब हम लोग एक ही साथ, हमारा गाँव का ईदगाह यही है देख लीजिए अभी इसमें, ठीक है दोस्तों तो चला जाए। और दोस्तों ये जगह भी है जो है ना हम लोग के लिए खास स्पेशल है, क्योंकि पहले जो है ना हम लोग के इधर वाईफाई नहीं थी, तो हम लोग जो है ना इंडियन नेट चलाने के लिए इधर खास करके इधर आया करते थे। और ये जो है ना देख रहे हैं हम लोग का कब्रिस्तान है, उधर जो है पुरानी कब्रिस्तान है हम लोग की, काफ़ी ज़्यादा बहुत दिन से है यही चल रहा है, कब से दादा परदादा के ज़माना से ये कब्रिस्तान है। और ये जो वाइट वाली देख रहे हैं ना ये बॉर्डर है, बॉर्डर इधर आप चले गए तो नेपाल और उधर अभी इंडिया, अभी जो है ना हम लोग खास करके इंडिया ही में आए, इंडिया में ये जो बॉर्डर दिख रहा है इस होके हम लोग मतलब हमेशा साइकिल से जाते थे बचपन में, हमेशा ये पोदमा हो गया, अभी तो रोड बन गया है, पहले रोड था नहीं, पहले तो साइकिल से जा रहे थे, अभी ये हो गया है थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं तो इसी से जा रहे हैं। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the... और दोस्तों इस जगह को देख रहे हैं ना, इस जगह को जो है ना हम लोग बचपन में पहले आने से भी डरते थे, क्योंकि इस जगह के बारे में लोग मतलब के बताते थे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले जो है भूत वगैरह वाली बातें, मगर हम लोग जो है ना उस जगह बचपन थे तो काफ़ी ज़्यादा डरते थे, और इधर जो है आते भी न थे, है ना। ये पदमा के रोड के साइड में पड़ता है, इसे बोलते हैं इमली गाछ, काफ़ी ज़्यादा डर, अभी तो पत्ता इसमें झड़ गया है, लेकिन जब इसमें पत्ता होता है तो रात को काफ़ी डर भी लगता रहता है, लेकिन अब कुछ नहीं, अब तो रोज़ाना आना जाना, ये पदमा का रोड हो गया, देख रहे हैं अब तो अपना ही राज है ना, अभी चार भी गए हम लोग इसमें।
और दोस्तों अभी जो है हम लोग पदमा में आ गए हैं, और ये जगह भी जो हम लोग का पदमा बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि हम लोग पहले जो है ना पहले साइकिल वगैरह से आते थे, कुछ छोटा मोटा काम के लिए भी यहाँ हम लोग जो है आ जाते थे, और हम लोग जब भी आते थे ठंडा वगैरह ड्रिंक वगैरह, मतलब कि ड्रिंक बोले तो ये ठंडा ही में और कुछ ना लीजिएगा और समोसा लिट्टी जो भी कुछ हो हम लोग जो है वहाँ पे अच्छी तरीक़ा से खाते थे और फिर चले जाते थे। देख रहे हैं आज, फिर आज जो है आखिरी याद अल्ताफ भाई के साथ, ये ठंडा भी है और यहाँ मिठाई भी है, ठीक है, देख रहे हैं इंशाल्लाह मिलेंगे ज़रूर फिर कभी, लेकिन ये आखिरी है, ये आखिरी है पदमा में, ये आखिरी है। और दोस्तों देख रहे हैं ये पदमा बाज़ार, और यहाँ पे जो है बाज़ार लगती है हाट वगैरह, आज इतवार है तो इस वजह से देख रहे हैं थोड़ा सा बाज़ार भी है, शाम के करीब जो है यहाँ पे हाट लगेगी। और इधर जो है ये रास्ता देख रहे हैं आप, वो रास्ता जो है जयनगर, और उधर जो है आप उधर चले जाएगा तो लदनिया की तरफ जाएगा, और हम लोग का कारा सारा काम हो गया है, बस अब देखिए मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं और जा रहे हैं। अब जो है थोड़ा सा नेपाल में भी जो है कुछ कुछ बाकी रह गया है अपने गाँव घर में भी, उधर जो है जाएँगे तो उधर को भी खास खास चीज़ें दिखा दूँगा, ठीक है दोस्तों। और अब जा रहे हैं दोस्तों, ये भी आखिरी रहा हम लोगों का, क्या बताएं, काफ़ी ज़्यादा पहली मर्तबा जो है ना हम लोग मतलब कि इतना साइड फीलिंग के साथ हम लोग इस होटल में खाए हैं, ठंडा वगैरह पिए का अच्छा ही नहीं लग रहा था, मतलब कि अजीब। और यहाँ देख लीजिए पदमा, यहाँ पे नहीं दिखा था उस वाली बोर्ड में, किस बोर्ड में था रे, ये है, हाँ यहाँ देखिए यही पदमा आ गया ना, आप लोग यकीन नहीं करिएगा इस वजह से दिखा दिया, ताकि सबूत जिंदा सबूत देते हैं हम लोग है ना अल्ताफ भाई। और गाइस ये भी जो है ना हम लोग का एक खास शाम है, देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना लग रहा है इधर, और हम लोग जो है ना इधर हर शाम को इधर हम और अल्ताफ भाई जो इधर चले आते थे, और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। और एक चीज़ आप लोगों के लिए रखा हूँ, स्पेशल गिफ्ट रखा हूँ, पहले अल्ताफ भाई सबसे मिल लीजिए, और अल्ताफ भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अब्दुर्रहमान भाई, अरे यहाँ अब्दुर्रहमान, अरे आ जाओ आ जाओ ये आखिरी शाम है, ये आखिरी शाम है, हम लोग दस्तार हैं, हम लोग हाँ इन लोग का दस्तार भी है। और आखिरी मतलब कि मैं स्पेशल ये वीडियो में बता रहा था, क्या पता है, देखो देख रहे हैं कितना खतरनाक इधर का जो है सीन आ रहा है उस next life to be a better me, I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray, what's wrong with me। और दोस्तों अभी जो है हम लोग जा रहे हैं जहाँ एक ऐसी जगह मतलब कि जो हम लोग का, हम ही लोग का नहीं, हमारे गांव के अक्सर जितने लोग हैं ना उन लोगों को अक्सर काफ़ी ज़्यादा वो जगह पसंद थी, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, बताएंगे वहाँ पे वो कौन सी जगह है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरा है, क्या बताएं, अक्सर शाम हम लोग को जो इसे पहले मैं बताया वहाँ, और या तो उस जगह जो जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ गुजरती थी। और दोस्तों यही वो ठाँव है जिसे हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं हजारी पोखर, ठीक है, अपनी जबान में, क्या उसकी कोई जबान ही नहीं है, हजारी पोखर इसका नाम ही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब के बचपन ही से हम लोग सुनते आ रहे हैं हजारी पोखर हजारी पोखर, इसी वजह से हम लोग भी उसी को जो है हजारी पोखर बोलते हैं। और देखिए इधर जो है कितना अच्छा जो है बैठने बैठने वाला है, देखिए इधर इधर भी आप बैठ सकते हैं, और इधर भी देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है ना यहाँ आप बैठिए तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है, देख रहे हैं जैसे कि अभी वीडियो में आ रहा है, ठीक है देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ जो है ना अक्सर नौजवान जो है पहले ये देख लीजिए ये सब गुजरती है ना तो दिल खुश हो जाती है, और यहाँ जो है ना अक्सर नौजवान पहले जो है वक्त गुजारते थे जो कि अब न रहे, उन लोगों के लिए भी यादगार है, वो लोग भी अगर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों हम लोग बताए थे ना कि अल्ताफ भाई के साथ ये हम लोग की सिरहा भी जो है अब आखिरी मिसिंग रहेगी, क्योंकि अब अल्ताफ भाई कब आएंगे और कब ना आएंगे कोई पता ही नहीं है, और खुदा के हाथ में भी है ना अल्ताफ भाई जी, और लोग की दुआ की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह ज़रूर दुआ रहेगी हम लोगों को, हमने लगा जी। और जो है अल्ताफ भाई को छोड़ने के लिए अब्दुर्रहमान भाई, आज़ाद भाई और शहादत भाई उर्फ हैंडसम रजा आएँ छोड़ने के लिए, और यही है बस देख रहे हैं शिव शक्ति यही है, हाँ यहाँ लोगेज भी अल्ताफ भाई का देख रहे हैं, अभी तो चेहरे पे मुस्कुराहट है मगर क्या बताएं दिल में जो गमी है ना वो बता नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। हमारे अब्दुर्रहमान भाई है यहाँ पे, हमारे आज़ाद भाई है, बहुत इन लोग की बहुत याद आएगी, लेकिन क्या करें सबके साथ चलिए, एक ना एक दिन जाना ही है, यानी जिसके नसीब में जाना लिखा है वो तो जेबे करेगा, ठीक है ना, तो है लेकिन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जरूर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मगर अब दोस्तों अब मिलेंगे तो एक ब्लॉगर के साथ में एक यूट्यूबर बनकर के साथ, ठीक है, इंशाल्लाह जब भी मिलेंगे एक बड़ी हस्ती बनकर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह।
just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. Guys, kya bataye, Altaf bhai to chale gaye. Ab kaafi zyada missing sa lag raha hai. Dekh raha hai, feeling aur dil akela phone jaisa mahsoos ho raha hai. Kya kare ab? Living life, every day, late at night.